आज के दिन दोबारा से आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ एक और न्यू दिन में, एक और न्यू ब्लॉग के अंदर और एक और न्यू ड्रेस के साथ। ऑब्वियसली आपको ये वाला भी ड्रेस काफी अच्छा लगेगा क्योंकि ये तो एक तो इसकी जो प्लस पॉइंट इसकी खूबसूरती के ये ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर यू नो कि इतना खूबसूरत लगता है। उसके अलावा ये वाले भी हैं जो मैंने निकाले, मैंने आप लोगों को ये भी दिखाने, पहले मैंने आपको दिखाए थे बट अब इनकी स्टिच्ड जो लुक है वो भी दिखाऊंगी और ये वाला भी मैं आपको बताई थी, दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये भी आपको दिखाऊंगी, ये भी किसी के हैं। तो उसके बाद अभी रेडी हो चुके हैं, स्टिच हो चुके हैं, देन से पड़े हुए थे स्टिच होके आए हुए तो मैंने निकालना था और अब मैं निकालें तो आई थॉट कि इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी ये वाला क्योंकि ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल था, फिर देखेंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को जो अपनी परसों जिसमें मैं खुद आई थी और मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाई उसमें मैं आप लोगों को इसी ड्रेस के बारे में बताई थी कि टॉप पे इसके अंदर एक और जो सेकेंड कलर था मैरून में था वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ब्लैक की जब बात आ जाए किसी भी कलर के साथ कंपेरिजन पे फिर आई थिंक ब्लैक के ऊपर हम लोग रुक जाते हैं और फिर कहते हैं हमें यही चाहिए क्योंकि ब्लैक कलर ही ऐसा जो कि हर वक्त हर मतलब इसका कोई फैशन नहीं होता, हर वक्त ये ट्रेंडिंग में होता है, कभी बुरा नहीं लगता। तो यहाँ पे इसकी प्राइस आप लोग देख लें, अभी भी ये 40% ऑफ पे आप लोगों को मिल सकता है, हो सकता है बिकॉज। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले इसकी हम मॉडल पिक्चर से स्टार्ट करेंगे और इसमें पहले आप लोग लुक देखें और इसमें स्टिच भी बहुत प्यारा हुआ है। वैसे ना जो आजकल एक और जो न्यू ट्रेंड आया हुआ है शलवार वाला वो भी बहुत प्यारे लगते हैं शॉर्ट शर्ट्स के साथ विद शलवार, तो वो भी बहुत नाइस लगता है। तो बस सिर्फ कैरी करने का होता है कि इंसान उसको कैसे कैरी करता, तो ये लुक भी बहुत प्यारी लग रही है आजकल। तो ये देखें इस तरह से वहाँ पे स्टोर में भी ऐसे ही रेडी हुआ हुआ था, नीचे शलवार है, टूलिप शलवार है एंड बट्टा देखें कितना अच्छा फिनिश्ड है। मैंने पिछले व्लॉग्स में जो कि सफ़ायर सना सफीनास का जो स्टोर के अंदर किया था वीडियो और जिसमें मैंने आपको कहा था मैं आज आप लोगों को स्टोर की अंदर की सिचुएशन दिखाऊँगी, तो उसके अंदर आप लोग इस ड्रेस को देख सकते हैं, वहाँ पे इसका स्टिच जो लुक है वो भी लगाया है। जरा इसका प्रिंट चेक करें, कितना अमेजिंग इसका प्रिंट है। वाकई में ये ड्रेस तो ऐसा है जिसको ज़रूर परचेज करना चाहिए। और इसकी जो जिगजैग की मैं आप लोगों को बात बता रही थी कि बहुत प्यारा लगता है जिगजैग वाला प्रिंट, ये है इसका प्रिंट शर्ट का, देखें कितना अमेजिंग है। वैसे प्राइस भी देखें कैसे, और जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो फिर 40% ऑफ पे आप लोग ये, क्योंकि काफ़ी दिन एक दो दिन तो आई थिंक ये वेबसाइट पे लगा रहा था 40 पे, उसके बाद ये कलर उनका सोल्ड हो गया था, मैरून जो था इसका वो वाला अवेलेबल था। तो अब इसके साथ एसेसरीज देखें कितनी अमेजिंग है, आई एम लविंग दिस वन, ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये इसका दुपट्टा आ गया और ये इसके साथ जो जो चीज़ें गला वगैरह, तो अभी हम देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं क्योंकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इसको परचेज करने के लिए तो आप लोग पहले देख लें एक बार, उसके बाद आप लोग इसको ऑर्डर कर लें। लिटरली ये ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि मैं भी ना पहले तो जब मैंने लेकर आई हूँ तो मैंने उसको तब बस वहाँ पे डिस्प्ले में होता है और आपको पता है वहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा कुछ इसको नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पे पिनअप हुआ हुआ होता है, तो आपको बस जस्ट एक मॉडल पिक्चर से ही लुक को देखना होता है या फिर कलर अगर आपको समझ में आ रहा है देन हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं। मतलब अगर डिटेल में देखना चाहें कि क्या क्या है वो हम नहीं देख सकते वहाँ पे क्योंकि डिटेल्स तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। यहाँ पे आप लोग गारमेंट डिटेल देखें कि मैं आप लोगों को इसकी ना पैचेस से शुरू करूँगी। वैसे इसका ये वाला ज़रा बॉर्डर चेक करें कितना खूबसूरत है, जब इसको स्टिच करें ना वैसे अगर शर्ट के दामन पे भी लगाएं तो ये बहुत प्यारा लगेगा और नीचे स्कैलप कर दें जिसको कट वर्क कहते हैं तो कितना एलिगेंट लगेगा ये वाला, या इसको ट्राउज़र के पांचे पे भी लगाया जा सकता है जिससे ये और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा ऊपर से एक्सटेंड कर। हाँ पे इसको देखें क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें कितनी अमेजिंग है, ठीक है ये है इसका ये वाला। अच्छा इन्होंने तो ना यहाँ पे दामन के लिए तो सेपरेटली दिया हुआ, स्लीव्स पे लगाया हुआ तो स्लीव्स भी बहुत प्यारी लग रही हैं। वैसे दिस कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल जगहों पे हम इसको कर सकते हैं तो उससे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। चलें अब हम लोग देखते हैं, ये है वही वाला बॉर्डर जो कि आपने अभी देखा दामन के लिए और एम्ब्रॉयडरीज देखें। मैं अभी आपको एक ऐसे जस्ट सर्वे करा रही हूँ, उसके बाद रिव्यू करा रही हूँ, पहले मैं आपको ये शर्ट ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी मैंने इसकी शर्ट को ओपन कर लिया, अब आप लोग ये देखें कि ये जिगजैग में कितना प्यारा लग रहा है ना इसका प्रिंट, लिटरली मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ देखिए पिक्चर में शायद आपको ऐसा प्यारा ना लग रहा हो जैसे कि रियल में। अब जो है ना इस पर कोई बॉर्डर भी नहीं है, ठीक है ये पूरा फैब्रिक है, प्रिंट इसका ऐसे ही है, ऑल ओवर है फ्रंट एंड बैक। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को स्लीव्स दिखाऊंगी जिसके ऊपर इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉर्डर। मुझे लगा शायद शर्ट के दामन के लिए भी इन्होंने दिया हुआ होगा मगर वो सिर्फ स्लीव्स के लिए, तो वो फिर डिज़ाइनिंग के ही पर्पज़ से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा अब ये वाला बॉर्डर देखें, ये देखें कितना खूबसूरत है, जब मैं आपको बताई थी ना ये ऐसे लगेगा
तो ये एक इस तरह से लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब जैसे बड़ी बड़ी सी आजकल शर्ट्स होती हैं बैगी स्टाइल की, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा तो अच्छा ये देखें ना, मुझे लगा शायद इन्होंने एक ही बॉर्डर दिया हुआ होगा, बट ये देखें काफ़ी ज़्यादा है, इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये बहुत ही प्यारा आउटफिट है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग मेरी सजेशन पे लेना चाहते हैं ना, जैसे कि काफ़ी मेरे कस्टमर्स मुझे कहते हैं कि जो आप सजेस्ट करती हैं वो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो स्टिल ऑन माई रिकमेंडेशन तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब अगर यही आपको रेडी टू वेयर किसी भी ब्रांड पर मिलता है, या फिर अगर हम सना सफीनास की बात कर लें, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बड़ी एक्सपेंसिव मिलती। तो ये है, इस तरह से इसका दामन क्रिएट हो जाएगा। वैसे मैं पूरा प्रॉपरली रख के दिखा देती हूँ उसके ऊपर, ये देखें इस तरह से इसका दामन क्रिएट होगा तो कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी ऊपर से इस तरह से फैब्रिक है शर्ट का, ठीक है, और ये वाला बॉर्डर था जो कि इन्होंने स्लीव्स पे यूज़ किया हुआ। इसकी भी ज़रा थिकनेस चेक करें, कितनी ज़्यादा थिकनेस है स्लीव्स के ऊपर अगर लगेगा, या हम अगर इसको और ज़्यादा एलिगेंट बनाएं आउटफिट को, तो इसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। बट टोटली फिर वही बात है, जैसा आपको अच्छा लगता है तो हम इसको उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये इधर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग एक प्रॉपर दामन क्रिएट करें तो उसका खैर अपना भी बहुत प्यारा है और ये भी उतना ही इक्वली प्यारा है ये बॉर्डर। और अब मैं आप लोगों को अच्छा इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। सो ट्राउज़र जो है इसका प्लेन ब्लैक में ही हैंड्स हैं इसके, बड़ा अच्छा सा इसका फैब्रिक है, मुझे थोड़ा थिक फैब्रिक भी लग रहा है, मुझे लॉन से मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगा। अच्छा अब देखें ये भी है इसके अंदर, अब ये मुझे अब नज़र आई, उस वक्त तो मुझे नहीं नज़र आई थी। और ये देखें ये है बड़ी खूबसूरत सी कटवर्क वाली लेस, ठीक है, इसको भी हम नेक पे या स्लीव्स पे या ट्राउज़र पे कहीं भी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ सो प्रिटी। यहाँ पे आप लोग देखें, अच्छा इसके साथ एसेसरीज भी बहुत ज़्यादा दी गई हैं और बड़ा ही अच्छा है। और अब देखेंगे आ गया इसका खूबसूरत सा दुपट्टा। वैसे अगर हम दुपट्टे को देखें तो मैच तो ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि सना सफीनास यही करता है कि इसके जो शर्ट्स अगर खूबसूरत होंगी तो दुपट्टा कहीं ना कहीं मिसमैच या अनमैच हो जाएगा। अब ये देखें, दुपट्टा इज़ टोटली ब्लू एंड वाइट और आउटफिट जो है ब्लैक एंड वाइट है, तो ये चीज़ है कि अब इसके अंदर ये दुपट्टा मैच नहीं कर रहा, बट स्टिल ये इसी का ही दुपट्टा है। तो उसके ऊपर फिर हम कुछ फैब्रिक यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जिससे पता चले कि वाकई में ये दुपट्टा इसी का है। और दुपट्टे को अगर आप लोग देखें तो इस तरह से इसको वैसे मल्टीपल शर्ट्स के भी ऊपर यूज़ किया जा सकता है, कोई फंकी कलर की कभी कभार इंसान के पास शर्ट आ जाती है पर भी काफ़ी अच्छा लग सकता है ये दुपट्टा, ठीक है। यहाँ आप लोग फिर से देख लें, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें डार्क लग रहा है क्योंकि वो वीडियो की होती है, उनके कलर्स और होते हैं, हमारे कलर्स डेफिनेटली और होते हैं, ठीक है। मैं अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है दुपट्टे की कंप्लीट लुक, मैंने इसको ओपन किया। वैसे ड्रेस का कलर ब्लैक एंड वाइट है एंड दुपट्टा इज़ टोटली ब्लू, तो अब ये कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, डिज़ाइनर अपने माइंड से बनाते हैं चीज़ें, तो फिर इस तरह से कुछ ना कुछ होता है एंड हम कस्टमर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। तो ये है वो दुपट्टा, ठीक है। दुपट्टा वैसे बहुत प्यारा है उस तरह से, नो डाउट, हम ये बात नहीं करें, बट स्टिल मैचिंग की अगर बात करें, क्योंकि मैंने पहले भी एक आउटफिट लिया था तो मामा कह रही थी कि दुपट्टा तुमने लगता है किसी और शर्ट का पहना है, मैंने कहा तो इसी का, तो इसी के ही साथ पहनना पड़ेगा। है इसकी कंप्लीट लुक दुपट्टे की, ठीक। आई होप कि मैंने आप लोगों को हर चीज प्रॉपरली दिखा दी। अब अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, सेकंड कलर मरून में है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल था, आई होप कि वो अभी तक होगा, तो आप लोग जल्दी से जाएं फटाफट अगर आपको अच्छा लग सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है वीडियो, सॉरी पिक्चर, एंड हेयर इज द प्राइस, 3 पीस कंप्लीट आउटफिट। और इसका जो कोड वगैरह मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि प्लीज़ कोड लिख दें, तो कोड एक्चुअली मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, ना ही याद कर सकती हूँ, ना ही पिक्चर्स फिर मैं सेव करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड है, ठीक है, मैं इस वजह से यहाँ पे दिखाती हूँ कार्ड। अगर कोई कोड का पूछता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में जाया करें, वीडियो के अंदर देखा करें, वहाँ आपको कोड एंड एवरीथिंग हर चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे बस आपको खुद से देखना पड़ेगा। गाइज ये था आज का व्लॉग, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इसको पसंद, मुझे मैंने किया, मेरी रिकमेंडेशन पे लेंगे तो 10/10 है, आप लोग ज़रूर इसको बाय करें और रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के अंदर जिसमें मैं आप लोगों को और सना सफीनास की स्टिच्ड ड्रेसेस दिखाऊंगी जो मैंने करवा लिए थे। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।